हेलो बच्चों, एग्री बायोमिस्ट्री चैनल आपके लिए लाया है सेल का डिटेल एक्सप्लेनेशन, ब्रॉड एक्सप्लेनेशन। क्योंकि नीट के लिए अगर सेल देखो, जेनेटिक्स देखो, तो फेवरेट टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। इसीलिए हमने इसका माइंड मैप की जगह पूरा डीप में एक्सप्लेनेशन दिया है आपको। तो देखिए, तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले सेल की, तो सेल जो होता है, क्या है सेल? आपका सबसे पहला जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। मतलब जैसे अगर आप किसी बिल्डिंग को देखोगे, तो आपको ऊपर बाहर से देखने पर बहुत बड़ी बिल्डिंग नज़र आती है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे उस बिल्डिंग का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटी इकाई, यूनिट क्या है जिससे वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, तो कोई सी भी विशाल बिल्डिंग है, वो सबसे छोटी यूनिट उसकी क्या होती है? ब्रिक, है ना। ब्रिक यानी कि ईंट। ये बिल्डिंग कैसे बनी है? ईंट से बनी है। अगर इस बिल्डिंग को देखने पर आपको पता चल रहा है कि ये जो बिल्डिंग है वो कैसे बनी है? ईंट से बनी है। तो अगर आप जैसे इसको देखोगे, किसको? एनिमल को देखोगे, देखिए हमारे राजा भैया, तो अगर इनको देखोगे तो ये भी किससे? पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा एक लिविंग ह्यूमन बींग है ना, जो है वो किससे बना है? तो एक छोटी सी इकाई सेल से मिलकर बना है। किससे बना है? सेल से। यानी कि जो सेल है वो आपका बेस है, आधार है किसी भी जीवित जीव का, है ना, ऑर्गेनिज्म का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे किस छोटी सी इकाई से बने होते हैं, जिसे सेल कहते हैं। सेल जो है वो आपकी स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, फंक्शनल, क्रियात्मक और फंडामेंटल यानी कि बेसिक इकाई है, वो क्या है? सेल है। ठीक है, तो जो सेल हमको देखना है कि सेल का जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सबसे छोटी इकाई सेल से बना होता है। अगर आप देखोगे तो जो सेल है, सेल का ग्रुप क्या कहलाता है? सेल का ग्रुप क्या कहलाता है? बहुत सारी सेलों का समूह क्या कहलाएगा? बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू का ग्रुप क्या कहलाएगा? ऑर्गन कहलाएगा। और बहुत सारे ऑर्गन जब मिल जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा है। तो यानी कि ये जो लिविंग बड़ा वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, तो इसका सबसे छोटा भाग, सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पूरे केमिस्ट्री का आधार, जो मैटर है इस यूनिवर्स में, उसका छोटा भाग जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको बोला था एटम, है ना। केमिस्ट्री की जान एटम है, तो बायो की जान सेल है, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी छोटी इकाई है, छोटा आधार है, वो क्या है? सेल है। ठीक है, तो ये सेल की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो आपका सेल जो है, सबसे पहले की सेल जो है वो आपका फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस। ठीक है, तो ये वायरस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर है। जो आपके नॉन लिविंग होते हैं एनिमेट, है ना, वो भी कैसे होते हैं? नॉन सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर मतलब उनके अंदर कोई भी सेल नहीं पाई जाती है। वायरस भी किसी भी लिविंग होस्ट के बाहर जब भी रहेगा तो वो नॉन सेलुलर यानी कि नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के अंदर चला जाता है तो वो लिविंग बन जाता है। मतलब इसको ऐसे समझेंगे कि मान लो एक किसी ओनर की फैक्ट्री थी, लेकिन किसी ने फर्जीवाड़ा करके उस फैक्ट्री को अपने नाम करा लिया, तो जैसे ही वो फैक्ट्री में आएगा तो क्या करेगा? ओनर को लात मार के भगा देगा और सारी फैक्ट्री पे क्या कर लेगा? कंट्रोल जमा लेगा, तो फैक्ट्री फिर वो अपने अनुसार चलाएगा। तो वायरस भी ऐसे ही करते हैं। कोरोना वायरस हमारे अंदर आता है, हमारी जो सिंथेसिस फैक्ट्री है उसको कंट्रोल करता है और अपने जैसे बहुत सारे कोरोना वायरस क्या कर लेता है? बना लेता है। मतलब वो लिविंग के अंदर लिविंग है, लेकिन जब बाहर अकेला, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र पड़ा रहता है तो कैसा होता है? नॉन लिविंग होता है। ठीक है, तो फिर यही लाइन ये कहती है कि एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। मतलब सेल से कुछ भी कम हुआ तो वो स्वतंत्र लिविंग नहीं रह सकता, स्वतंत्र रूप से लिविंग नहीं रह सकता, जैसे वायरस में होता है। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो आर कैपेबल ऑफ डिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। जो यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल, मतलब एक कोशिका से बने जो जीव होते हैं वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, है ना, मुक्त स्वतंत्र लिविंग रह सकते हैं। परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, सारे जीवन जीने के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे वो कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमने बोला स्ट्रक्चरल यूनिट तो समझ लिया। अब जैसे आपका अमीबा है, वो सिंगल सेल्ड है, वो अपने सारे कार्य कर लेती है, तो मतलब एक सेल भी सारे कार्य कर रहा है, इसीलिए सेल स्ट्रक्चरल के साथ साथ फंक्शनल यूनिट भी है। अगर हिस्ट्री की बात करो तो 60-65 में जो आपके
1665 में आपके जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने पहली बार किसको, सेल की प्रेजेंस को देखा, कहाँ, कॉर्क टिश्यू में। जो आप बॉटल देखते होंगे, जो शाम का माहौल बनाने वाले लोग होंगे, अगर वो महंगी वाली शराब, मतलब महंगी वाली चीज पीते होंगे, तो उसके ऊपर कभी कभी देखो कि कॉर्क का ढक्कन लगाया जाता है, ठीक है। तो वो कॉर्क के अंदर ही इन्होंने क्या देखा था, पहली बार आपकी सेल देखी थी। तो वो जो सेल थी वो क्या थी, नॉन लिविंग थी, मतलब डेड थी। जो आपकी सेल थी क्या थी, डेड थी। तो पहली जो सेल की डिस्कवरी की थी वो आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। और सेल टर्म भी किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। वो सेल कॉर्क के अंदर देखी थी, वो सेल क्या थी, डेड थी। एक्चुअली में वो था सेल वॉल, क्या था, सेल वॉल। तो इन्होंने उस सेल के अंदर जब कॉर्क को इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, तो इन्होंने देखा कि इन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है ना, हनीकॉम्ब लाइक। अगर किसी ने गाँव में कोई रहते होंगे तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते से छत्ता जरूर तोड़ा होगा, और उनका उनको फल भी मिला होगा कि अगर कोई मधुमक्खी उनको काट ली तो वो भी हनीकॉम्ब जैसे सूझ गए होंगे। तो इसका हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था ये, तो उसको इन्होंने नाम दिया सेल है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिविंग सेल तो एवी लीवेनहॉक ने देखी थी, किसने, एवी लिव। और इन्होंने ही फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप भी बनाया था, क्या बनाया था, फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप भी इन्हीं ने ही बनाया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि इन्होंने लिविंग सेल और सिंपल माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस की खोज की बात करोगे तो रॉबर्ट ब्राउन ने, और किसमें, पस सेल में किया था, है ना, पस मा जो पस सेल होती है उसके अंदर देखा था। फिर अगर हम बात करेंगे साइटोलॉजी और साइटोजेनेटिक्स, साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी, तो सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी। और साइटोजेनेटिक्स मतलब सेल के अंदर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल का जेनेटिक्स के रिस्पेक्ट में जो अध्ययन होता है वो कहलाता है साइटोजेनेटिक्स। तो साइटोजेनेटिक्स क्या है, रेफर टू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स इन रिलेशन ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये आपका साइटोजेनेटिक्स है, ठीक है। ये तीन साइंटिस्ट जो है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक साइंटिस्ट और है, जब हम एनसीईआरटी में आपका ये शुरू करते हैं आपका सेल चैप्टर, तो वहाँ लिखा है जीएन रामचंद्रन, ठीक है, जीएन रामचंद्रन। बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, मे भी बन जाए। तो जीएन रामचंद्रन ने क्या दिया था, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब इन्होंने कोलेजन प्रोटीन में ट्रिपल हेलिक मॉडल दिया था, है ना, कोलेजन प्रोटीन का। तो ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के में अगर देखोगे तो। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले सेल थ्योरी की बात करते हैं कि सेल थ्योरी भैया किस किस ने दी। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट दिए, मैथ्यू सीडन और थियोडर स्वान, ठीक है। तो नीट में एक बार क्वेश्चन बना था कि कौन कहाँ से हैं, तो ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं, है ना, क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट हैं, और ये जो हैं वो हैं आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो स्लीडन हैं आपके जीबी, क्या हैं, जीबी, 1 GB 2 GB वाले व्यक्ति हैं स्लीडन। और अगर आप स्वान की बात करोगे तो ये हैं आपकी बिजी, क्या हैं, बिजी, है ना, बहुत बेस्ट लोग हैं ये, जीवी लोग हैं वो बेस्ट लोग हैं, यानी कि ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं और वो बिजी यानी कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, ये क्वेश्चन ये बना था। फिर स्लीडन ने क्या बोला था, स्लीडन ने बोला कि जो प्लांट सेल है, ये जो प्लांट है वो किससे बना है, सेल से बना है, मतलब प्लांट की जो बॉडी है वो कंपोज्ड ऑफ सेल। और स्वान ने क्या बोला, स्वान ने तो सबसे पहले ये बोला कि जो कोशिका की बाहर एक पतली परत पाई जाती है वो सेल मेम्ब्रेन है, है ना, कोशिका के बाहर एक पतली परत पाई जाती है वो सेल मेम्ब्रेन। फिर उन्होंने बोला कि प्लांट सेल का सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है, मतलब प्लांट सेल के ऊपर जो सेल वॉल पाया जा रहा है वो उसका एक यूनिक कैरेक्टर है। तीसरा इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट इन्होंने दिए, क्या बोला, पहला बोला एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ही ऑल्सो रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल विच इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, एंड ही प्रपोज दैट बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ऐसे इन्होंने क्या बोला, दैट प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, है ना, प्लांट किससे बने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अब इन दोनों के एक डीमेरिट था, डीमेरिट ये था कि इन दोनों ने ये तो बता दिया कि कौन किससे बना है, वो सेल है, ये इससे बना, लेकिन इन्होंने ये नहीं बनाया कि जो सेल के, जो प्लांट के अंदर, जो एनिमल के अंदर सेल है वो बनती किससे या बनती कैसे है। तो ये उनका क्या था, ड्रॉबैक था या इनकी कमियां थी। तो इनकी ड्रॉबैक और इनकी कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास एक बड़े महान वैज्ञानिक आए, रोडोल्फ वर्चो, है ना। रोडोल्फ वर्चो की थ्योरी को बोला जाता है सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्राइन, मतलब सब कुछ
एक साथ खोल कर रख दिया। तो इन्होंने सबसे पहला क्या किया कि जो स्लीडन और स्वान की थ्योरी थी उसी को मॉडिफाइड कर दिया। तो मॉडिफाइड में क्या किया, जो उन्होंने नहीं बताया वो इन्होंने बता दिया। उन्होंने क्या नहीं बताया था, उन्होंने नहीं बताया था कि सेल बनती कैसे, इन्होंने बता दिया कि भैया जो भी नई सेल बनेगी वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनेगी, पुरानी सेल से बनेगी। मतलब एक सिंगल सेल अमीबा था, उसने क्या किया, विभाजन किया, विभाजन से क्या बनी, दो नई डॉटर सेल बनी। तो ये दो नई डॉटर सेल है ये पुरानी से बनी है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग से बनी है। तो इन्होंने यही बोला, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुरानी सेल से बनता है, जिसका नाम हो गया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, है ना। तो ये टर्म आएगा कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला इज रिलेटेड टू, तो रोडोल्फ बर्चो, कब दिया था, 1855 में। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने मॉडिफाइड किया हाइपोथेसिस को, किसकी, स्लीडन और स्वान की, और फाइनल शेप दिया सेल थ्योरी को। तो वही थे पहला पॉइंट क्या दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, है ना, सारे जीवित जीव कोशिका या कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा, ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल जो पूर्व में स्थित सेल हैं उनसे ही बनती हैं। और तीसरा एक और पॉइंट इन्होंने दिया कि जो ऑर्गेनिज्म का, है ना, हम मैं बता देता हूँ आपको डर, कि जो ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल एक्टिविटीज़ है वो सम टोटल ऑफ सेल एक्टिविटीज़ और इट्स कंस्टिट्यूएंट एक्टिविटीज। मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये हाथ हिला रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, ये जो मेरी ओवरऑल एक्टिविटी है, ये अंदर जो सेल है और उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, है ना, जो भी उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उन सब की एक्टिविटीज़ का योग है जो मुझे बाहर इस एक्सप्रेशन के रूप में दिख रहा है। तो तीसरा पॉइंट ये था कि ओवरऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सम टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल किसकी थ्योरी को कहा गया, तो रोडोल्फ की थ्योरी को कहा गया। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्या है कि सेल जो है वो शेप के, उसके फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर उसका क्या होता है, शेप बदलता रहता है। अच्छा, मतलब जैसे जैसे परफॉर्म करेंगे उसके हिसाब से शेप बदल देंगे। हाँ भैया बिल्कुल, रेड ब्लड सेल जो थी वो राउंड या वाई कॉनकेव होती है। कैसी होती है, या तो राउंड होती है, है ना, या वाई कॉनकेव होती है। मीजोफिल सेल होती है वो राउंड भी हो सकती है और ओवल भी हो सकती है। कॉलिमिनर एपिथेलियल जो होते हैं वो लॉन्ग और नैरो होते हैं, लंबे लंबे ऐसे लाइक ये, है ना। व्हाइट ब्लड सेल होती है वो अमीबॉइड होती है, अमीबॉइड मतलब उसका शेप जो है वो इरेगुलर है, फिक्स नहीं है। नर्व सेल जो होती है वो ब्रांच एंड लॉन्ग होती है, देखो ऐसा, ये वाला ऐसा होता है, इधर वो रहता है नर्व सेल। ट्रेकिड जो होते हैं वो एलंगेटेड, ऐसे ट्रेकिड जो होते हैं वो ऐसे पाइप होते हैं, ठीक है, तो ये ट्रेकिड्स हैं। ठीक है, तो ये है शेप। अगर और बात करें तो डिस्क शेप हो सक्था है, पॉलीगोनल हो सक्था है, कॉलिमिनर हो सक्था है, क्यूबॉइडल हो सक्था है, थ्रेड लाइक हो सक्था है, धागे नुमा हो सक्था है, क्यूब लाइक हो सक्था है, पॉलीगोन लाइक हो सक्था है, कॉलिमिनर हो सक्था है। तो ये शेप के आधार पर था। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देख लीजिए, रेड ब्लड सेल जो है आपका राउंड और वाई कॉनकेव है, वाइट ब्लड सेल अमीबॉइड है, कॉलिमिनर लॉन्ग एंड नैरो है, फिर उसके बाद ब्रांच आपका नर्व सेल है, ट्रेकिड एलोंगेटेड है, मीजोफिल आपका राउंड और ओवल है। ठीक है, तो ये शेप भी ध्यान रखने ला, हो सकता है कि मैच द कॉलम वाला सेल और उसके शेप ऐसा क्वेश्चन बन जाए, तो इंपॉर्टेंट है ये, इनको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर अगर हम आगे बढ़े तो ये कुछ डाटा है जो इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि स्मॉलेस्ट सेल PPLO है, है ना, प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं, उनके अंदर सेल वॉल अब्सेंट होता है और उन्हें प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। अब किसी के अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल का बेसिक कार्य ही होता है सेल को एक फिक्स आकार देना, मतलब फिक्स शेप बनाना। तो शेप अगर फिक्स नहीं रहेगा, सेल वॉल नहीं है तो वो बदलता रहेगा, तो आकार में परिवर्तन को हम प्लियोमॉर्फिक कहते हैं। इनका साइज लगभग 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो ये 0.1 से 0.3 होते हैं और बेसिक क्या रही 0.1 होता है। फिर अगर टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो 1 to 2 माइक्रोमीटर का होता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, सिंगल सेल देखोगे तो वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सिंगल सेल है। लॉन्गेस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी कोशिका की बात करोगे तो कौन है, नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन है। अगर ह्यूमन रेड ब्लड सेल की बात करोगे तो उसका 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। वायरस की बात करोगे तो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक के हो सकते हैं। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो 10 से 20 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हो सकता है वो यहाँ सेल और यहाँ उनका जो है वो आपका साइज दे दें। ठीक है, कितने आकार के हो सकते हैं और मैच द कॉलम करके क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए इनको भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो बेसिक जो है आपका
टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, है ना, सेल के आधार पर किसमें कितनी सेल है उस आधार पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है, जो एक कोशिका से बनते हैं, किससे, एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिका, और बहुकोशिका वाले जिनमें बहुत सारी सेल होती है। यूनि का मतलब एक, सेलुलर का मतलब सेल। तो दे आर मेड ऑफ सिंगल सेल, है ना, सिंगल सेल, एक सेल से बने होते हैं, और ये मेड ऑफ मल्टीपल सेल, है ना, बहुत सारी सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आता है अमीबा है, पैरामीशियम है, युग्लेना है, ईस्ट है, ईस्ट है यूकैरियोटिक लेकिन सिंगल सेल है, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है यीस्ट यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, तो यीस्ट यूकैरियोटिक है लेकिन सिंगल सेल है। मल्टीसेलुलर की बात करें तो एनिमल है, फंजाई है, प्लांटी है, एल्गी है, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, या बैक्टीरिया भी है। तो ये भी याद रखना है कि कोशिका की संख्या के आधार पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। अब अगर हम बात करें तो बेसिक हम देखते हैं कि जो कोशिका की संख्या के तो आधार पर हो गया, अब एक और वर्गीकरण है नाभिक के आधार, न्यूक्लियस के आधार पर। सेल के अंदर यदि वेल डिफाइंड, है ना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सत्य न्यूक्लियस है, तो वो है यूकैरियोट, क्योंकि यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, है ना। ऐसे ही प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या इनसफिशिएंट, है ना, और न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर ये पुराने जीव है, इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड सत्य न्यूक्लियस होता है, इसीलिए ये यू, यू मतलब ट्रू है ना, ट्रू इनके अंदर है। तो न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियोलस इसमें अब्सेंट होता है, इनके अंदर न्यूक्लियर इनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिससे न्यूक्लियस ढका होता है वो, और न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर डीएनए दोनों दे रहे, देखो जेनेटिक मटेरियल तो इसके अंदर भी होता है, लेकिन इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, कैसा है, सर्कुलर है और डबल स्टैंडर्ड है, जो कि प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होता है। इसका जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है और प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। प्रोटीन का मतलब है हिस्टोन प्रोटीन, कैसा होता है, हिस्टोन प्रोटीन, यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई से भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होते, यूकैरियोट के अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं, हमें पता है हमारा डीएनए 2 मीटर का है, सोचो 2 मीटर का लंबा धागा, उसको एक इतनी छोटी सेल के अंदर डालना है जो कि हम आँख से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो इसीलिए हाईली पैकेजिंग मटेरियल जैसे हिस्टोन प्रोटीन लाइक होते हैं वो सब उसको 2 मीटर को सेल के नाभिक के अंदर पैक कर देते हैं, तो वो पैकेजिंग है। साइज की बात करोगे तो ये स्मॉलर साइज के होते हैं, ये रिलेटिवली लार्ज साइज के होते हैं। सेल वॉल की बात करोगे तो सारे प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अगर यहाँ देखो तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोटिस्ट के अंदर, मोस्ट ऑफ फंजाई के अंदर और ऑल प्लांट के अंदर। कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, कुछ लगभग सारे फंजाई होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, और कुछ प्लांट सारे प्लांट होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन अब्सेंट किसमें है, एनिमल, एक भी एनिमल ऐसा नहीं है जिसके अंदर सेल वॉल पाई जाएगी। ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो दोनों के अंदर पाई जाती है, बस डिफरेंस इतना है कि प्रोकैरियोट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास रेस्पिरेटरी एंजाइम श्वसनीय इंजाइम होते हैं लेकिन इसके पास नहीं होते हैं। ठीक है, फिर है सेल ऑर्गेनलीज, तो इसके पास लैक ऑफ सेल ऑर्गेनिज, जो आपके मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं, चाहे सिंगल मेम्ब्रेन चाहे डबल मेम्ब्रेन, इसके अंदर नहीं होता है, उसके अंदर होता है, है ना। फिर उसके बाद करेंगे अगर वैक्यूल की, है ना, तो वैक्यूल सेफ वैक्यूल आर अब्सेंट बट गैस वैक्यूल आर प्रेजेंट। सेफ वैक्यूल का मतलब क्या होता है, सेफ वैक्यूल का मतलब जिसके अंदर पानी, जिसके अंदर डेड मटेरियल, है ना, जो कुछ भी है वो भरा हो, तो उसे सेफ वैक्यूल कहते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सेफ वैक्यूल नहीं होता लेकिन गैस वैक्यूल होता है। गैस वैक्यूल का मतलब खाली वैक्यूल, गैस का गुब्बारा जैसा है वो होता है। तो वो क्यों होता है, इसलिए होता है कि गैस वैक्यूल क्या करता है, बायोन्सी देता है। बायोन्सी का मतलब किसी भी चीज को अगर पानी में डालते हैं और वो तैरना है तो कोई ना कोई फोर्स लगाएगा वो, तो वो बायोन्सी प्रोवाइड करता है। वो कहां कहां होता है, तो आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होता है। कैसे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, और उसके अंदर सेफ वैक्यूल यानी कि प्लांट के अंदर होता है, एनिमल में भी वैक्यूल क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर सब नाभिक के आधार पर इनमें क्या था, बेसिक डिफरेंस था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैक्यूल के बाद राइबोसोम्स की बात करें, तो देखिए राइबोसोम्स की बात करते हैं तो दोनों में राइबोसोम्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनलीज है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है 70s, यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है 80s, लेकिन डिफरेंस क्या है, दिक्कत यहाँ आती है, इन्होंने 70 को बोला है 30+50 और उन्होंने 80 को बोला है 60+40,
60+40 100 होता है, 30+50 80 होता है। तो देखिए बायो वालों को क्या है कि जितने भी पूछो, किसी भी बायो वाले से पूछो, उससे पूछो तुमने बायो क्यों ली, तो वो बोलता है कि हमें मैथ अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छा नहीं लगता है, उनको मैथ आता ही नहीं है। तो ऐसे ही इसको याद करने के लिए है कि भैया बायो वाले व्यक्ति होंगे, बायो वाले साइंटिस्ट होंगे, तो उन्होंने मैथ का कुछ भी किया, तो उन्होंने 30+50 को 70 कर दिया और उन्होंने 40+60 को 80 कर दिया। तो ध्यान रखना 70S प्रोकैरियोट में और 80S यूकैरियोट में। अब ये होता क्या है, ये जो होता है कि राइबोसोम्स होता है दो यूनिट, एक छोटी यूनिट और एक बड़ी यूनिट, स्मॉल यूनिट और लार्ज सब यूनिट, ठीक है। अब यूकैरियोट में बात करोगे तो हो सकता है कि जो आपका क्या हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाइंड हो, मतलब उससे जुड़ा हो, तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं, या न्यूक्लियर एनवेलप से हो। प्रोकैरियोट में क्या होता है कि जो प्रेजेंट तो होता है, लेकिन क्या अगर एमआरएनए से, एक एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम्स आकर जुड़ गए, तो इस कंडीशन को पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कंडीशन कहते हैं, यानी कि पॉलीसिस्ट्रोन बन जाता है। सिस्ट्रोन का मतलब जीन का ऐसा भाग जो एक प्रकार के प्रोटीन को बनाएगा, लेकिन ये बनता है पॉलीसिस्ट्रोन, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। क्यों? क्योंकि देखिए एक एमआरएनए था, उससे बहुत सारे क्या बन गए, राइबोसोम जाके जुड़ गए। मतलब ध्यान रखिए, अगर एक सीधा रोड जा रहा है, उस रोड पे एक फैक्ट्री यहाँ लगा दी, एक फैक्ट्री यहाँ लगा दी, एक फैक्ट्री वहाँ लगा दी, एक फैक्ट्री वहाँ लगा दी, क्योंकि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। अब बहुत सारी फैक्ट्री लग गई तो बहुत सारे प्रोडक्ट निकालेगी, तो ये भी क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो पॉलीसिस्ट्रोन हो गए। सिस्ट्रोन सिंगल प्रोडक्ट था, पॉली मतलब बहुत सारे निकलेंगे, तो इसमें पॉलीसोम्स पॉलीराइबोसोम कंडीशन पाई जाती है, उधर नहीं पाई जाती है। सेल साइकिल की बात करो तो इनका सेल साइकिल शॉर्ट होता है, छोटा होता है, इनका सेल साइकिल लॉन्ग होता है। ये शॉर्ट है मतलब ए माइटोसिस है, उधर लॉन्ग है तो माइटोसिस और मियोसिस दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। माइटोटिक स्पिंडल की बात करोगे तो प्रोकैरियोट के अंदर नहीं बनते हैं, यूकैरियोट के अंदर क्या होते हैं, माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रियोल की बात करोगे तो प्रोकैरियोट के अंदर अनुपस्थित होता है, यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात करो तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। थोड़ा सा बता देता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन है, और एमआरएनए जाकर जब राइबोसोम से जुड़कर प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर एक ही स्थान पर होते हैं, एक ही जगह, एक ही कंपार्टमेंट में, एक ही कमरे के अंदर दोनों प्रोसेस। लेकिन जो आपका यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा, और फिर वो न्यूक्लियस से, है ना, ये रहा न्यूक्लियस, इसके अंदर एमआरएनए बन गया, फिर वो एमआरएनए कहां आएगा, बाहर आएगा, और साइटोप्लाज्म में एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो दोनों ही प्रोसेस कहां होती है, अलग अलग कंपार्टमेंट में होती है, ठीक है। अब अगर हम कुछ आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोट्स के बारे में और भी बताएंगे कि देखिए प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड क्या क्या होता है, आता क्या क्या है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया आता है, बीजीए आता है, बीजीए या साइनोबैक्टीरिया, और पीपीएलओ आता है, ठीक है, ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन फास्ट करते हैं, क्या होता है, फास्ट होता है इनका, ठीक है। इनका ऑर्गेनाइजेशन लगभग इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, है ना, इनका ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर होता है, सिमिलर होते हैं सबका ऑर्गेनाइजेशन, सारे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेम होता है, समान होता है, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ट्रू नहीं होता है, मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो ट्रू नहीं होता, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, और होगा कहाँ, तो वो साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है। तो इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है जो कि कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, उसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर बोलते हैं। वही मेन मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, क्या है,
मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है, मेन जेनेटिक्स। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या बताया है, इसके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर क्या क्या आता है, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, साइनोबैक्टीरिया पीपीएलओ आता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका संगुणन, जो जल्दी गुणा करते हैं मतलब फास्ट अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, इनमें ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो अंदर का मतलब किसी बिल्डिंग में गए हैं वो कैसी बनी है ना, तो सारी बिल्डिंगें एक जैसी बनी होती हैं, तो इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फंडामेंटली सिमिलर होता है। जेनेटिक मटेरियल की बात करोगे तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, जिसे न्यूक्लियोइड और जीनोफोर कहते हैं, वही मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है, मेन जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। हटा दिया जाए, आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, तो अगर हम बात करें अनुवांशिक पदार्थ, अगर हमने बोला कि भैया आपका न्यूक्लियोइड और जीनोफोर मेन है, तो कुछ और भी है क्या, तो हाँ, इसके अंदर एक और होता है, क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड वो क्या होता है, तो वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब अतिरिक्त गुणसूत्रीय अनुवांशिक पदार्थ है। वो भी क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। अच्छा, तो इसका कार्य ऐसा क्या है कि जो एक्स्ट्रा में आ गया, तो भैया इसका कार्य होता है कुछ यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है ना, फिनोटिपिक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर को जैसे जैसे ये प्रोवाइड करता है, क्या करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। ठीक है, ये भी क्या करता है, रेजिस्टेंस करता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो ये एक्स्ट्रा क्रोम, इसका एक मटेरियल है जिसका उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। ठीक है, तो ये प्लाज्मेट हो गया, ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, ये डायरेक्ट ऐसा का ऐसा पूछा गया है कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज, तो उसे प्लाज्मेट कहते हैं। ठीक है, यूनिक फिनोटाइप कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, जैसे रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक देता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक यूनिक आपका जो है, ये क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम बनाएं आपके लिए, तो किस प्रकार से बनती है, तो देखिए सबसे बाहर उसमें क्या होगा, सबसे बाहर का इनवेलप होता है उसका ग्लाइकोकैलिक्स, क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके अंदर पाया जाता है आपका नॉन लिविंग वाला क्या है, आपका आपका सेल वॉल। फिर उसके अंदर एक्सटेंशन के साथ पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या था, जेनेटिक मटेरियल था, वो तो कंडेंस जैसा फैला हुआ था, और आपके राइबोसोम्स थे, और क्या था, प्लाज्मेट था, है ना, प्लाज्मेट था। ठीक है, तो अब देखिए बाहर वाली क्या लाइन, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, फिर अंदर वाला कहला है और अंदर सेल वॉल, फिर ऑल अंदर कहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो था ये है न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, क्या कहलाया, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। ठीक है, फिर इसकी बात करें तो ये क्या कहलाएगा, प्लाज्मिड, ये क्या है, राइबोसोम। ठीक है, और क्या है, और इसके अंदर कुछ बड़े बड़े ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, है ना, फ्लैजिला। फिर छोटी संरचना होती है जिसे हम पिलाई पाइली जो भी है वो इसको बोलते हैं, है ना, फिमरी भी होता है, और रोम, जो रोम होते हैं ना छोटे छोटे बाल जैसा स्ट्रक्चर, वो इनके अंदर पाए जाते हैं। फिर इनके अंदर कुछ क्रोमेटोफोर भी होते हैं, क्रोमेटोफोर, जो पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो भी होते हैं, क्रोमेटोफोर होते हैं। ठीक है, फिर इनके अंदर इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, इंक्लूजन बॉडी का मतलब जिनके अंदर क्या हो, रिजर्व फूड हो, है ना, फूड मटेरियल, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, रिजर्व होता है, तो वो इंक्लूजन बॉडी हो गई। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है मीजोसोम्स, क्या है, मीजोसोम, है ना, मीजोसोम क्या होता है, ये सेल का, सेल मेम्ब्रेन का, सेल के अंदर की तरफ जो वृद्धि है उसे मीजोसोम्स कहते हैं। ये जो तीन मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी, आपकी सेल वॉल और सेल वॉल, ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है सेल इनवेलप, इनवेलप। ठीक है, तो इनवेलप का मतलब होता है लिफाफा, क्या काम होता है, शादियों में जाते हैं लिफाफा के अंदर पैसा रख के दे आते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी
जो बाहर पढ़ते हैं वो क्या करते हैं शादियों में बिना लिफाफा में कुछ रख के खाली दे के आ जाते हैं। तो ये भी उनका इनवेलप यानी कि लिफाफा है जिसके अंदर बैक्टीरिया की सेल कवर है। ये तीनों एक साथ मिलकर प्रोटेक्शन का क्या का जो संरक्षण है उसका कार्य करते हैं, लेकिन तीनों के अपने खुद के अलग अलग फंक्शन होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस बैक्टीरिया को ये सेल इनवेलप के आधार पर है ना जो इसके अंदर होगा वो अलग अलग प्रकार का हो गया। तो यानी कि सेल इन्वेलप के आधार पर जो बैक्टीरिया था उसे क्रिश्चियन जो आपके ग्राम थे क्रिश्चियन ग्राम उन्होंने दो भाग में बांटा, सेल इन्वेलप का स्टेनिंग के लिए स्टेनिंग में अलग अलग बिहेवियर है ना डिफरेंट बिहेवियर क्या था डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर की वजह से इसको दो में भागा। कौन कौन से, एक तो बोला ग्राम पॉजिटिव और एक बोल दिया ग्राम नेगेटिव। किसने, क्रिश्चियन ग्राम ने, है ना क्रिश्चियन ग्राम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि सेल इनवेलप जो है वो स्टेनिंग के लिए अलग अलग व्यवहार करता है, उसके आधार पर उन्होंने दो प्रकार के बैक्टीरिया दिए। अब ये स्टेनिंग उन्होंने किया क्या, मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूँ। सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा कि हमने अपना आप लैब में हम गए होंगे तो हमने प्रैक्टिकल किया होगा, तो प्रैक्टिकल किया तो एक स्लाइड होती है, तो हमने सबसे पहले स्लाइड पर क्या किया पतला बैक्टीरिया का है ना जो बैक्टीरिया है उनका एक पतला सा क्या लिया परत लिया, उनको इसके ऊपर स्टेन पर डाल दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बैक्टीरियल स्मियर। ठीक है, फिर इसको क्या किया, अब ये डाल दिया, फिर इसको एयर ड्राई किया, एयर ड्राइंग करवाया। एयर ड्राई करवाने के बाद हमने इसमें क्या डाला, क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट का स्टेन किया। ठीक है, स्टेन किया, फिर क्या किया, जैसे इस पे स्टेन किया तो एक्स्ट्रा जो स्टेन था उसको वॉश किया, किससे, वाटर से, पानी से क्या कर दिया वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद जो स्टेन बचा है उसको हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, स्टेबलाइज करना है या सस्टेन करना है, तो उसके लिए हमने डाल दिया मॉर्डेंट। वो क्या था, आयोडीन था, क्या था, आयोडीन था। ठीक है, अब इतना होने के बाद फिर इसको हमने क्या किया, एल्कोहल है ना, देख लीजिए एल्कोहल का इस्तेमाल बैक्टीरिया को धोने के लिए हो रहा है, बैक्टीरियों के लिए नहीं हो रहा है, तो ये जो एल्कोहल था इससे इसको फिर धो दिया। अब जैसे ही इसको एल्कोहल से धोया तो दो प्रकार का, एक तो ऐसे थे जिनमें एल्कोहल से धोने के बाद भी क्रिस्टल वॉयलेट कलर क्या गया रह गया, तो उनको बोल दिया ग्राम पॉजिटिव, और कुछ हमें देखे कलरलेस। अब कलरलेस देखे तो उनको कैसे पता चले कि उनके अंदर बैक्टीरिया है कि नहीं, तो हमने क्या किया, कलरलेस थे उनमें डाल दिया सेफ्रिन, क्या डाल दिया सेफ्रिन। तो जैसे ही सेफ्रिन डाला तो उन्होंने क्या बना लिया, पिंक कलर बना लिया, मतलब वो एल्कोहल से क्या हो गए, धुल गए थे, कलर नहीं बचा था, अब सेफ्रिन डाल के वो कैसे हो गए पिंक, तो कोई रंगहीन होगा तभी तो पिंक कलर लिया, तो जो रंगहीन थे उनको क्या बोल दिया, ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राम स्टेन जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने सेल इनवेलप के सेल के इनवेलप को स्टेन पर अलग अलग व्यवहार की वजह से दो भाग में बांटा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। स्टेन का प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले स्लाइड के अंदर हमने पतला सा क्या लिया, बैक्टीरिया लिए, उनको डाल दिया, फिर उनको क्या किया, एयर ड्राइंग से सुखा लिया, खाने के बाद हमने उनके ऊपर क्रिस्टल वॉयलेट डाला है ना, क्रिस्टल वॉयलेट डाला जो कि स्टेन है, तो स्टेन आ गया। फिर हमने क्या किया, एक्स्ट्रा स्टेन को पानी से धो दिया, एक्स्ट्रा स्टेन को पानी से धोने के बाद हमने एक मॉर्डेंट डाला जिससे हमें क्या करना है, जो स्टेन है उसको सस्टेन करना, मतलब स्टेबलाइज करना है, रोकना है। फिर उसके बाद हमने इसको क्या किया, एल्कोहल में धो डाला, एल्कोहल में धो डाला, तो कुछ बैक्टीरिया थे जो कैसे हो गए, रंगहीन हो गए, उनमें कुछ कलर नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ में वैसा का वैसा ही दिख रहा था। तो जैसे का जैसे दिख रहा था जिनमें ग्राम का जो स्टेन था वो बचा रहा, सस्टेन रहा, उनको ग्राम पॉजिटिव बोल दिया, और जो कलरलेस थे अब उन्हें हमें तो पता नहीं क्या है वो, तो हमने सेफ्रिन डाला, जैसे ही सेफ्रिन डाला तो वो क्या हो गए, पिंक कलर के हो गए, तो पिंक कलर के हो गए मतलब वो पहले क्या थे, कलरलेस थे, तो उनको बोल दिया ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में हुआ क्या, उसका एक डिटेल आपको थोड़ा सा देना है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव जो था उसके अंदर एक सेल वॉल थी और एक हो गई सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल थोड़ी सी मोटी है इसकी। ठीक है, और अगर तुम ग्राम नेगेटिव की बात करोगे तो उसके अंदर ये रहा, फिर एक सेल वॉल आई, फिर आपका आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इनमें क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल जो लेयर थी वो लाइपो
पॉलीसेक्राइड की थी। किसकी? लाइपोपॉलीसेक्राइड की। फिर आया सेल वॉल, फिर आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनमें था डायरेक्ट आया सेल वॉल, ठीक है, और फिर आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थे ग्राम पॉजिटिव और ये थे ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या था? इनकी सेल वॉल जो थी वो थिक थी, इनकी सेल वॉल जो थी थिन थी। इनके अंदर म्यूरिन वो अप्रोक्स 75-80% पाया जाता है और इनके अंदर कितना होता है 10-30%, है ना, 30-40 जो भी है इतने अंदर था। अब डिफरेंस कहाँ गया? डिफरेंस आया इनमें ये लाइपोपॉलीसेक्राइड की वजह से। लाइपोपॉलीसेक्राइड क्या है? लाइपो का मतलब लिपिड्स, है ना, लिपिड से। तो लिपिड क्या होते हैं? लिपिड होते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उनके अंदर सॉल्युबल। तो जैसे ही तुमने अल्कोहल डाला, अब तुमने पहले डाला था क्रिस्टल बॉयलेट, तो क्रिस्टल बॉयलेट कहाँ चढ़ा था? क्रिस्टल बॉयलेट इस लेयर में आके रुका होगा, है ना, स्टेन जो था इधर भी इस लेयर। अब उधर तो वो बाहर की लेयर में हो गया, इधर सेल वॉल है तो इसके अंदर हो गया। अब जैसे ही अल्कोहल में डाला तो सेल वॉल तो डेड मटेरियल से बनता है तो वो तो ऑर्गेनिक के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ, लेकिन लाइपोपॉलीसेक्राइड जो था वो अल्कोहल के अंदर क्या हो गया? डिजोल्व। डिजोल्व हो गया मतलब ये वाली लेयर क्या हो गई? हट गई। हटी नहीं, हट गई तो अब बचा क्या? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो कलरलेस हो गया। तो इसीलिए ये कलरलेस होते हैं और ये नहीं। तो इनके अंदर लिपिड पॉलीसेक्राइड की जो लेयर है वो पाई जाती है और इनके अंदर लिपिड पॉलीसेक्राइड की लेयर नहीं पाई जाती। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो है आपका प्रोकैरियोट, ये क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर। ये वाला मत यूज़ किया करो, एक ये है।